हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो नए हमसे जुड़ते हैं, उनमें से कई लोगों का सवाल रहता है कि हम कलम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आप जान लीजिए। सबसे पहला कारण रहता है कि हम अगर बीज से देसी गुठलियाँ लगाएंगे या हाइब्रिड की गुठलियाँ लगाएंगे, तो उससे वो गुठली वाले आम फलते हैं, बहुत ही आकार में एकदम छोटे रहते हैं, अंडे के आकार के, जिसके हमने रिजल्ट वीडियोज़ भी दिखाए हैं कि देसी आम का पौधा कितना हाइट में बड़ा रहता है। आप चढ़ नहीं सकते और एक्सीडेंट्स होते, इस वजह से हम कलम करते। तो कलम करने से पौधे की हाइट छोटी हो जाती है, पहला फ़ायदा। फिर आपको आम तोड़ने के लिए भी आसानी होती है, दवाई छिड़कना है तो भी आप कर सकते हैं, यह भी है। और साथ में एक ही पौधे पर आप अलग अलग वेराइटीज़ फिट करके एक ही पौधे पर आपको 10 से 15 अलग अलग किस्म के आम मिल सकते हैं। एक साल में अगर 4-5 आम की वेराइटीज़ फलती है, तो अगले साल दूसरी किस्म की आम फलेंगे, वह डिपेंड करेगा वेराइटीज़ के ऊपर पर। तो हमने आपको दिखाया कि एक ही पौधे पर आपको मल्टी ग्राफ्टिंग किस तरह करना चाहिए। हर साल आपको पता चलता है कि अच्छी अच्छी क्वालिटीज के आम मिल रहे हैं, तो वहाँ से आप डंठल लाइए, हमारे वीडियोस देखिए कलम करने के, और कलम करिए अलग अलग शाखाओं पर। इस तरीके से मल्टी ग्राफ्टिंग का पौधा तैयार हो जाएगा आपका कुछ सालों के अंदर में। और वेराइटीज़ को हम कंजर्व कर सकते हैं, जो संवर्धन रहता है अलग अलग वेराइटीज़ का, वह हम कर सकते हैं। और इस तरीके से ज़्यादा पेड़ की जगह पर हम एक दो पौधे पर 5 से 10 वेराइटीज़ को बचा कर रख सकते हैं। तो यह फ़ायदा रहता है कलम करने का। और आप चाहे तो इसको छोटा बना सकते हैं आकार में, ताकि आप हाथ से भी आम तोड़ सकते हैं, यह भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको प्रूनिंग करना पड़ेगा आम के पौधे की।